कांग्रेस के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। कांग्रेस सदन के भीतर कुछ कहती है, जनता के बीच में जाकर कुछ कहती है। आज जो आंदोलन चल रहा है उसमें किसान नहीं है, ये कांग्रेस प्रेरित लोग हैं और सारा देश इस बात को जानता है। और मैंने उस दिन अपने जवाब में कहा था कि जिन सुधारों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाउस में आए थे, उन सुधारों से निश्चित रूप से किसान का भला होने वाला है, किसान आगे बढ़ने वाला है, खेती की ग्रोथ रेट बढ़ने वाली है, किसान की माली हालत में सुधार आने वाला है, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ने वाला है और खेती के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व और क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। मैं बार बार इस बात को माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों को भी समझाने का प्रयास कर रहा था और देश के किसानों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के इस भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ दुष्प्रचार कर रही है। कांग्रेस के समय में भी MSP एक्ट का भाग नहीं थी और हमने कहा कि MSP जारी रहेगी, प्रधानमंत्री जी ने भी देश को कहा कि MSP जारी रहेगी। और कल आपने देखा कि रबी की MSP बुआई से पहले ही भारत सरकार ने घोषित कर दिए। समर्थन मूल्य के प्रति जो मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है वो इससे प्रकट होती है। और यह भी सारा देश जानता है कि ये कांग्रेस की सरकार UPA की 10 वर्षों तक शासन में रही, इन्होंने स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट रिकमेंडेशन को स्वीकार नहीं किया, मोदी जी ने ही आकर उस रिकमेंडेशन को स्वीकार किया और 1.5 गुना MSP बढ़ाया। तब से लेकर लगातार MSP बढ़ती आ रही है और मैं आपके माध्यम से देश को ये बताना चाहता हूँ और कांग्रेस के लोगों को भी ये समझना चाहिए, 9 से 14 के बीच में जो पेमेंट हुआ था MSP के माध्यम से किसानों को, उससे 3 गुना पेमेंट 7 लाख करोड़ रुपया हम लोगों ने 6 वर्षों में किसानों को दिया है। और लगातार इस बात की भारत सरकार कोशिश कर रही है। और सिर्फ हमने कानूनी रिफॉर्म नहीं किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले MSP को बढ़ाया, उसके बाद PM किसान योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष भारत सरकार के खजाने से निकाल कर किसानों की जेब तक पहुंचाने का काम किया। और वहीं 10,000 FPO बनाकर किसान की आवाज़ को ताकत देने का जो घोषणा की है उस पर निश्चित रूप से अमल किया जा रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो गांव-गांव तक पहुंचना है, किसान के पास टेक्नोलॉजी पहुंचनी है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट पहुंचना है, वेयर हाउस पहुंचना है, तो कोल्ड स्टोरेज पहुंचना है, ये सारी का सारा ठीक से क्रियान्वित हो और खेती और किसानी आगे बढ़े इसके लिए कानूनी रिफॉर्म जरूरी थे। और ये कानूनी रिफॉर्म कांग्रेस भी चाहती थी लेकिन दलालों के प्रभाव और दबाव के कारण कांग्रेस ये हिम्मत नहीं कर पाई और इस वजह से नरेंद्र मोदी जी को ये कदम उठाना पड़ा। कांग्रेस के लोग जिस प्रकार का आचरण कर रहे हैं मैं उसे देखकर निश्चित रूप से हैरान हूँ। किसान कांग्रेस के लोग अपने मैनिफेस्टो में इन्हीं रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं, मनमोहन सिंह जी इसी रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं, शरद पवार साहब का वर्सन इसी रिफॉर्म के बारे में, नेशनल फॉर कमीशन का वर्सन इसी रिफॉर्म के बारे में, शरद जोशी जी जो किसान नेता थे वो इन रिफॉर्म के बारे में कहते थे। जब हम इसको लेकर आए और जब इनको लगा कि किसान अब भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ा हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा हो जाएगा, किसान के जीवन स्तर में बदलाव आएगा, तो कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के लोगों का जो राज्यसभा में आचरण हुआ है वह बहुत ही निंदनीय, घोर निंदनीय है। धन्यवाद।